हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे कि जावा में एरेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं। कभी भी किसी भी लैंग्वेज में आपको एरेज क्रिएट करने हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरे होता क्या, राइट? जब हम पहले बात करते हैं कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है, एरे क्या होता है कि नॉर्मली जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए इज होल्डिंग 10, सो वन वेरिएबल इज होल्डिंग वन वैल्यू। अगर आप उसमें वैल्यू चेंज करोगे तो पुरानी वैल्यू चली जाएगी। अगर आपने यहाँ पर लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 10, आपने इसको प्रिंट करा दिया तो वो 10 प्रिंट कर देगा। बट इफ यू राइट ए इज इक्वल टू 25, तो आपके ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब वो 25 हो गया है। सो इफ आई वॉन्ट अनदर वैल्यू, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 10 ओवरराइड ना हो, 10 भी रहे और मुझे 25 भी चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल ए लिया है तो एक वेरिएबल बी ले लेती हूँ। सो आई कैन टेक वन मोर वेरिएबल अलोंग विद इट, है ना? तो आप उसके साथ एक और वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो एरे है उसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि हम अलग वेरिएबल लेने की जगह एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज, दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, दैट इज वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। सो इट्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, दैट इज कॉल्ड एन एरे, ठीक है? तो हमारे पास नाम एक ही होता है, लेकिन उस नाम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं और वो सारी वैल्यूज सेम टाइप की होती है। अगर इंटीजर्स हैं तो सब इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सब फ्लोट्स होंगे, कैरेक्टर्स हैं तो सब कैरेक्टर्स होंगे। सो इट्स गिवन लाइक दैट। तो अब आपको जावा को बताना भी तो पड़ेगा ना कि जो चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक एरे है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर एरे का नाम लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर टेलिंग द कंपाइलर कि जो चीज डिक्लेयर हो रही है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक एरे है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले डेटा टाइप लिखो, उसके बाद एरे का नाम लिखो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। सो एनी ऑफ द टू इज पॉसिबल, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब इसका पहले वाले का एडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर मुझे दो एरेस चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इन स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए एंड बी बोथ आर इंटीजर एरेस। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है उसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट टू टेल की ए एंड बी आर एरेस। तो इस तरीके में हमें हर वेरिएबल के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हो देन यू कैन जस्ट राइट नेम ऑफ द एरे। पर इतना लिखने से आपका एरे क्रिएट नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ कंपाइलर को बताया है कि इस नाम का एरे होगा, बट वो एरे अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। एरे क्रिएट होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से क्रिएट होते हैं यहाँ पे, वैसे ही आपका जो एरे है वो भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से क्रिएट होता है। सो हाउ डू वी क्रिएट एन एरे यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? तो अगर आपको एक इंटीजर एरे बनाना ही है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम लिखेंगे इंट ए, ठीक है, और मेरे को 10 साइज का चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ पर साइज आ जाएगा। आप ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हो, यू कुड राइट इट लाइक इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 10। दोनों का मतलब एक ही है। इससे क्या हो रहा है कि एक ए क्रिएट हो रहा है एज अ रेफरेंस वेरिएबल, न्यू इंट लिखने से ये 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। जो भी ये मेमोरी एलोकेट होगी हमारे पास उसका एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। सो ये आपका जो पहला एलिमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इट इज एट पोजिशन 0। सो फर्स्ट एलिमेंट इज एट पोजिशन 0, सेकेंड एलिमेंट इज एट पोजिशन 1, देन पोजिशन 2, पोजिशन 3, पोजिशन 4 एंड सो ऑन, राइट? सो दैट्स हाउ वी हैव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो नाम जरूर सेम है लेकिन कुछ तो मेथड चाहिए ना। आप कैसे पता लगाओगे कि वैल्यू कहाँ से फेच कर रहे हो? सबका नाम ए है, है ना? अब अगर एक क्लास में सबका नाम ही शीतल हो तो आपको क्या पता आप किस शीतल की बात कर रहे हो? तो शीतल का सरनेम अलग होगा, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, है ना? कभी कभी ऐसे होता है हमारे फ्रेंड्स का नाम सेम होता तो हम ऐसे रख देते हैं शीतल 1 शीतल 2। सो इट्स लाइक
यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिफरेंशिएट. सो वैसे यहाँ पे हम पोजिशंस की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं. सो जीरो का मतलब है जीरो पोजिशन, पहला एलिमेंट. देन यू हैव पोजिशन वन, पोजिशन टू, पोजिशन थ्री, पोजिशन फोर एंड सो ऑन. सो दैट इज हाउ वी कैन गिव द पोजिशंस. आपको अगर इनपुट करवाना है, आप ए जीरो पे कराओगे, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा. आप असाइन भी करा सकते हो ऐसे, जब फेच करना है तो फेच भी कर सकते हो, ठीक है. और अगर आपको कोई ऑपरेशन पूरे के पूरे एरे पे करना है, यू हैव टू डू इट एट जीरो पोजिशन ऑल्सो, वन पोजिशन ऑल्सो, टू पोजिशन ऑल्सो, तो उसको टेक्निकली हम कहते हैं ट्रेवर्सिंग एन एरे. तो जो टेक्निकल वर्ड है उसके लिए वो है ट्रेवर्सिंग एन एरे. सो ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एग्जैक्टली वंस, ठीक है. सो यू आर प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, और वो बेस्ट होता है फॉर लूप की हेल्प से. तो हम यहाँ पर एक लूप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एरे लिया 5 साइज का. सो इफ आई टेक इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 5, और मैं अब यूजर से ये वैल्यूज इनपुट कराना चाहती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एंड इन साइड दिस आई विल राइट ए आई इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट. तो अब क्या होगा कि ये लाइन 5 बार चलेगी, ठीक है. ये लाइन चलेगी हमारी 5 बार. पहली बार आई आपका 0 होगा, तो जो फर्स्ट नंबर इनपुट होगा वो ए 0 पे जाकर स्टोर हो जाएगा. आई प्लस प्लस से आई 1 होगा, तो सेकेंड नंबर आपका ए 1 पे स्टोर हो जाएगा. फिर आई 2 हो गया, तो आपका नंबर ए 2 पे स्टोर हो जाएगा. फिर आई 3 हो गया, सो ए 3 पे स्टोर हो जाएगा. फिर 4 हो गया, तो ए 4 पे स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज स्टोर. तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी और स्टोर होती रहेंगी. तो आप पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हो एक एक करके. तो आपने 0 पोजिशन को किया, 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जावा लैंग्वेज बहुत पक्की है अपने इंडेक्स को लेकर, ठीक है. अगर आपने 0 से लेकर 4 तक को एक्सेस किया है तो ठीक है. अगर आपने गलती से भी इसके साथ इक्वल टू लगा दिया होता तो वो A5 को भी फेच करने की कोशिश करता, पर A5 तो हमारे पास वैलिड पोजिशन ही नहीं है. तो यहाँ पर आपका एक रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा. सो इट विल जनरेट एन एरर एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप देन एंड देयर, एंड दैट एरे नेम इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स. मतलब आपके पास जो आपने एरे का साइज दिया है उसी के हिसाब से आप इंडेक्स यूज कर सकते हो. अगर आपने कोई भी और इंडेक्स दिया है जो उसकी वैलिड रेंज के अंदर नहीं है, सो आपका प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं चलेगी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इंडेक्स. सो जावा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एरे इंडेक्स. नेगेटिव इंडेक्स यूज नहीं हो सकते, पॉजिटिव इंडेक्स ही होते हैं सिर्फ 0 से लेकर मैक्सिमम साइज -1 तक. ये लूप आप इनपुट करने के लिए भी लगा सकते हो, प्रिंट करने के लिए भी लगा सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. तो मैं आपको भी एक पूरा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए और हम उसे इनपुट कराएंगे, ठीक है. सो ऐसा कुछ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप यहाँ पर मेन बनाना चाहते हो. सो दिस इज योर मेन. सो वी हैव दिस, हमारे हमने यूटिल को इम्पोर्ट किया ताकि हम स्कैनर को यूज कर पाए. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वी हैव टू स्टार्ट द कोड ओवर हियर. सो आई विल टेक स्कैनर, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. उसके अलावा आपको एन चाहिए, आई चाहिए, फिर आपने यूजर से पूछ लिया कि बताओ कितने नंबर्स चाहिए. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हाउ मैनी नंबर्स आर देर, ठीक है. फिर वो हमने एन में पूछा है, तो वी गेट इट इन एन. एन में आपके पास आ जाएगा हाउ मेनी नंबर्स आर देर. फिर आप उसको कह रहे हो एंटर ऑल द नंबर्स, आई टेक अ लूप फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. अगर मान लो मैं एरे नहीं ले रही होती, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल इंटेजर डिक्लेयर किया होता इंट ए, ठीक है, और यहाँ लूप के अंदर मैंने ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करा लिया होता ताकि 5 बार नंबर पूछा जाए,
या जितनी बार भी आपका एन है उतनी बार नंबर पूछा जाए, और उसके बाद आप प्रिंट करा रहे होते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट नंबर्स नंबर्स एंटर्ड आर तो यहाँ पर हम उसी ए को प्रिंट करा रहे हैं जिसमें हमने नंबर इनपुट किया था, ठीक है। सबने ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि वो कहता है कि द लोकल वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। सो जावा ना बड़ी शक्की किस्म की लैंग्वेज है, सो इट मेक्स श्योर कि आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज ना करो जिसमें कुछ हो ही ना, क्योंकि गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट जावा में नहीं होता है। अगर आपने पहले सी सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं विदाउट पुटिंग एनीथिंग इनटू इट, तो वो कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है। सो गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जो हमें नहीं पता क्या है लेकिन मेमोरी में कुछ तो पड़ा है पहले से। जावा डज नॉट लेट यू यूज एनी गार्बेज वैल्यू लाइक दिस, तो इसमें गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं होता। अब यहाँ पे वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि लूप के अंदर हम इनपुट करा रहे हैं, उसको लगता है क्या पता लूप चला ही नहीं, तो अगर लूप चला ही नहीं तो ए में कभी कुछ आएगा ही नहीं ना। अब ए में कुछ नहीं आएगा तो प्रिंट क्या करेंगे, तो इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। जैसे ही मैंने ए में यहाँ 0 पुट कर दिया वो एरर चला गया, मतलब यस कुछ ना कुछ तो है, 0 तो होगा ही ना, तो कुछ और हो या ना हो, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपका जो ए की वैल्यू है वो बदलती रहेगी। सो द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज गोइंग टू वर्क उतनी बार ए जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब आप चेंज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और आखिरी में जब आप उसको प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट करेगा सिर्फ लास्ट वैल्यू, क्योंकि ए में वही लास्ट वैल्यू बची है। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। जब ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सो आई एम गोइंग टू एंटर 5, लेट्स से एंटर द नंबर्स। सो लास्ट नंबर जो मैंने एंटर किया उसी को ही उसने 5 बार प्रिंट कर दिया, उसी को उसने 5 बार प्रिंट कर दिया। अब हम इसी चीज को एरे के साथ करेंगे, तो एरे के साथ करने में क्या चेंज आएगा, ये जो ए इज इक्वल टू 0 है इसकी जगह पर आप क्या कर दोगे, ए इज इक्वल टू न्यू इंट एन, और यहां पर भी ए जहां पर हमने क्रिएट किया है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। सो इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, उससे आपका एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने ए आई कर दिया तो आपके पास जो इनपुट है वो ए 0 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ऐसे करके आ जाएगा, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया ए आई को, ठीक है। तो अब जो इनपुट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ए 0 में गया, फिर ए 1 में गया, ए 2 में, ए 3 में, ए 4 में। जब प्रिंट होगा तो प्रिंट भी कहाँ से होगा, ए 0 से, ए 1 से, ए 2 से, ए 3 से, ए 4 से। सो जब वो प्रिंट भी अलग अलग इंडेक्स से करेगा तो कुछ भी ओवरराइट नहीं हो रहा है। सिंस कुछ भी ओवरराइट नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 नंबर्स एंटर करने हैं अब, ठीक है। सो आई राइट लाइक दिस, और जो नंबर्स मैंने एंटर किए थे एग्जैक्टली वही नंबर्स प्रिंट हो गए। तो एरेज में कुछ नया चीज नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज कैसे हो रही है, एंड यू शुड नो हाउ टू वर्क विद द पोजीशंस। अगर मुझे इसको उल्टे ऑर्डर में दिखाना है कि जिस ऑर्डर में इनपुट हुए थे उससे उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, तो मैं लूप उल्टा चला लूंगी, मैं एन माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक ले जाऊंगी, तो आखिरी नंबर को वो पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके पीछे वाले को, फिर उसके पीछे वाले को। इन जावा वी हैव फर्दर मोर ऑप्शंस टू डील विद द डेटा इन अ प्रॉपर वे एंड एरेज। सो एरेज इज वन ऑफ द ऑप्शन। आगे जाके आप एक एरे लिस्ट नाम की क्लास करोगे जो कि ज्यादा यूजफुल होती है, और उसमें साइज की भी कोई बाउंडेशन नहीं होती। जैसे इसमें तो आपके पास है कि पहले एक मैक्सिमम साइज देना पड़ेगा, वहां पर वो भी नहीं देना पड़ता। सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस लेटर, बट दिस इज हाउ वी क्रिएट वन डायमेंशनल एरेज इन जावा, राइट। सो ये अभी वन डायमेंशनल एरे हमने बनाया है। अब हम इसी पे कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, एंड
देन वी विल बी डूइंग मल्टी डायमेंशनल एरेज, जिसमें टू डायमेंशनल एरेज हम देखेंगे कैसे बनते हैं, थ्री डायमेंशनल एरे कैसे बनते हैं. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट एरेज इन जावा. अब आप क्या ट्राई करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दिस, आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको ऐसे ही एक एरे इनपुट करवाना है और आपको बताना है कि उसके एलिमेंट्स का सम और एवरेज क्या है. सो इनपुट अ सेट ऑफ नंबर्स इन एन एरे, कैलकुलेट एंड प्रिंट टोटल एंड एवरेज वैल्यू. सेकेंड इज इनपुट अ सेट ऑफ नंबर्स इन एन एरे, and find the highest and lowest value. तो आपको highest and lowest value बतानी है array में से कौन सी है. So this is the homework. ये एक बार कोड जो है आप comments में share कर सकते हैं, आप telegram पे share कर सकते हैं, आप इसको बनाकर LinkedIn पे पोस्ट कर सकते हैं, Insta पे पोस्ट कर सकते हैं, मुझे टैग करके. अगर आप LinkedIn पे हैं तो अंजलि लूथरा नाम से मुझे सर्च करो, फॉलो करो और अपने पोस्ट में आगे से टैग भी कर सकते हो. एंड इंस्टाग्राम पे आई एम देयर विद द नेम AEC_computer_education. सो फॉलो जरूर कर लो, ठीक है भाई. सारे सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अपनी ऐप हो. सो वी शुड बी प्रेजेंट टुगेदर एवरीवेयर. सो डू फॉलो ओवर देयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर विद एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. वेरी सून. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.